नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सर और आप देख रहे हैं व्लॉग्स मुंबई टेक टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। सो आज का मेरा जो टॉपिक है वो होगा कंपैरिजन इमेज क्वालिटी का फ़ोन के कैमरा में, डिजिटल कैमरा में और एक DSLR में। सो फ्रेंड्स, ये मेरा फ़ोन का कैमरा, ये मेरा डिजिटल कैमरा और मैं जिससे शूट कर रहा हूँ वह DSLR। सो फ्रेंड्स, जो पहले के कैमरा थे उनमें एक फिल्म होती थी जिसपे जो फोटो है वो इम्प्रिंट होता था और बाद में उसको डेवलप किया जाता था। पर अभी के जो फ़ोन्स है, डिजिटल कैमराज है, उन सब में एक डिजिटल इमेज सेंसर होता है जिसकी वजह से कि वो फोटो क्लिक करता है और डिजिटल फॉर्मेट में उसको शेयर कर देता है। सो जितना बड़ा डिजिटल सेंसर होगा उतना ही अच्छा इमेज का क्वालिटी होगा। सो फ्रेंड्स, जो ये मेरा फ़ोन है ये 13 मेगापिक्सल का, इसका जो इमेज सेंसर है और ये कैमरा का जो इमेज सेंसर है वो बिल्कुल सेम है। दोनों की जो इमेज क्वालिटी होगी सेम है, पर मैं प्रेफर करता हूँ फ़ोन को क्योंकि ये पोर्टेबल है और बट ये भी पोर्टेबल है। सो जैसे कि हम फ़ोन अपने पास ज़्यादातर रखते हैं, सो हमें कहाँ पर भी शेयरिंग में काम आए फ़ोटोज़ तो हम फ़ोन से कर सकते हैं, पर इस डिजिटल कैमरा के इसमें हमें वो PC में डालने पड़ेंगे पहले, फिर बाद में हमें शेयर करने पड़ेंगे। सो आई वुड प्रेफर द फ़ोन कैमरा। सो ये दोनों डिवाइसेस की जो परफॉर्मेंस है लो लाइट में और नेचुरल लाइट में वो बिल्कुल सेम है। सो जो डिजिटल कैमरा है उसमें जो ज़ेनन फ्लैश यूज़ होता है, सो उसके वजह से जो इमेज है वो अच्छी आती है, पर जैसे कि फ़ोन में एक LED फ्लैश है सो इसकी इमेज थोड़ी सी ख़राब आती है। सो फ्रेंड्स, आजकल जो मोबाइल्स है उसमें 4K 2K रिकॉर्डिंग भी होती है, तो मतलब फ़ोन बहुत अच्छा है वीडियोस के लिए, बट जो डिजिटल कैमरा है वो अच्छा नहीं है क्योंकि जो फोकस के लिए टाइम लेता है सो उससे वो वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं आती और फोकस का जो लेंस का आवाज़ है वो भी आता है। सो फ्रेंड्स, जो डिजिटल कैमरा होता है उसमें जो जूम होती है वो हम लेंस से कर सकते हैं और हमें अगर कोई दूर की इमेज चाहिए तो हम लोग एक जगह से निकाल सकते हैं, पर वो एक फ़ोन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें डिजिटल जूम होती है जिसके कारण कि हम लोग अगर वो फ़ोटो निकालेंगे तो वो इमेज ब्लर होती है और इमेज क्वालिटी लो होती है क्योंकि जो सेंसर है वो उसको अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता और जो पिक्सल्स है वो रिड्यूस होते हैं तो इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं आती। तो जूमिंग के मामले में एक डिजिटल कैमरा ही अच्छा है एक मोबाइल फ़ोन से। सो फ्रेंड्स, जो DSLR है वो एक्सपर्ट ऑफ फोटोग्राफी है। सो फ्रेंड्स, जो फ़ोन का कैमरा रहता है और जो डिजिटल कैमरा रहता है अगर इसकी हम लोग DSLR से कंपैरिजन करेंगे तो जो DSLR है उसके सामने ये दोनों चीज़ें कुछ नहीं है क्योंकि जो DSLR की इमेज क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है और जो DSLR में जो पिक्सल्स रहते हैं वो 12 मिलियन या 20 मिलियन पिक्सल्स पे वो एक फ़ोटो खींचता है और जो उसका जो इमेज सेंसर रहता है वो फ़ोन के या डिजिटल कैमरा से 10 times बड़ा होता है जिसके वजह से कि जो इमेज क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आती है और एक बेटर रेजोल्यूशन में आती है। अगर कोई DSLR होगा 8 मेगापिक्सल का और अगर कोई फ़ोन होगा 20 मेगापिक्सल कैमरा रेजोल्यूशन का तो जो DSLR की इमेज क्वालिटी है वो फ़ोन के कैमरा से काफ़ी अच्छी आएगी क्योंकि जो इसका इमेज सेंसर है वो बहुत अच्छा रहता है और फ़ोन कितने भी मेगापिक्सल का रहने दो पर जो DSLR है उसकी इमेज क्वालिटी हमेशा ही अच्छी आएगी। अगर हम एक DSLR कोई भी अपने फ्रेंड को दे देंगे और उसको कहेंगे कि एक फ़ोटो खींचो तो वो ऑटो मोड पे तो अच्छा फ़ोटो निकाल लेगा पर लेकिन वो मैनुअल मोड पे अच्छा फ़ोटो नहीं खींच पाएगा। तो जिसको भी फोटोग्राफी एज एन ऑप्शन चूज़ करना है, करियर ऑप्शन, तो वो फोटोग्राफी स्कूल्स में जाते हैं जहाँ पर वो लोग स्पेशल स्किल सेट से फोटोग्राफी सीखते हैं और जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स रहते हैं उनके पास एक स्पेशल स्किल सेट रहता है जिससे कि वो अच्छी फ़ोटो खींच पाए। जो भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स रहते हैं उनको एक DSLR के मैनुअल मोड्स के बारे में जानकारी रहती है जिसके कारण कि वो एक अच्छी इमेज खींच सकें। DSLR का एक डिसएडवांटेज भी है, अगर आपको कोई भी वीडियो निकालनी होगी मूविंग में तो वो DSLR से पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो DSLR है वो फोकस के लिए टाइम लेता है जिसके कारण जो मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग है वो ठीक नहीं आती और मोस्टली वो ब्लर आती है। आज के जो मोबाइल्स रहते हैं उनमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और 60 FPS भी रिकॉर्डिंग होती है, तो जो फ़ोन का रिकॉर्डिंग है वो DSLR से काफ़ी अच्छा होता है। जो DSLR होते हैं वो फोटोग्राफी में काफ़ी फास्ट होते हैं और जो उनका फोकस है वो बहुत फास्ट हो जाता है, पर वीडियो रिकॉर्डिंग में वैसे नहीं होता। जो लेंस है उसको फोकस करने के लिए टाइम लगता है और जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स है उनके पास काफ़ी एक्यूरेसी रहती है जिसके कारण कि वो लोग
एक अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग शूट कर पाए। और आजकल के फ़ोन्स में लेज़र ऑटो फोकस आ चुका है, जिससे कि फ़ोन्स में भी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक अलग कैमरा रहता है जिसका नाम है कैमकॉर्डर, जो जल्दी से फोकस कर लेता है और उसका जो इमेज सेंसर रहता है वो भी काफ़ी बड़ा रहता है। सो जो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। सो आपने कैमकॉर्डर मेनली शादी में देखा होगा या फंक्शंस में देखा होगा, तो कैमकॉर्डर्स मेनली शूटिंग के लिए यूज़ होते हैं। सो दोस्तों, जिसको भी फोटोग्राफी एज अ करियर चूज़ करना है तो वो एक DSLR परचेस कर सकता है, जो कि फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है। और जो तीनों कैमराज है, जैसे कि मोबाइल का कैमरा, डिजिटल कैमरा और एक DSLR, सो ये जो कैमराज है वो इक्वली अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अच्छे हैं और जिसको जो लेना है वो ले सकता है। एज अ नॉर्मल पर्सन मैं प्रेफर करूँगा एक फ़ोन के कैमरा को, क्योंकि जो फ़ोन के कैमरा में है वो इमेज भी अच्छे ले लेता है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी अच्छी कर लेता है। और वो जैसे कि फ़ोन हमारे पास मैक्सिमम टाइम के लिए रहता है, सो हम लोग फोटोज़ भी इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सो अकॉर्डिंग टू मी, जो फ़ोन का कैमरा है वो मेरे लिए अच्छा है। थैंक्स दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और आपको कोई भी क्वेश्चंस रहेगा तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। सो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी आपके लिए टेक न्यूज़ लेके आते रहूँगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।